हे लोगोस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो और मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो उन सभी प्यारे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आज की मॉर्निंग भी सुबह स्टार्ट हो गई थी 6:30 अराउंड, और इसके बाद में सुबह उठ के आपको पता है बच्चों को वॉक पे ले जाना होता है, तो आज मैं सिर्फ 2-3 बच्चों को लेकर आई थी वॉक पे, बाकी बच्चों को पापा ने वॉक करा दिया था। वॉक से आने के बाद मैं एवरी सिंगल डे रूटीन है मेरा कि मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। जिनको भी PCOS की प्रॉब्लम है वो लोग ये ड्रिंक ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये वाला ड्रिंक बहुत ही इफेक्टफुल है। इसमें मैंने अदरक, अजवाइन, दालचीनी डाला था, पानी डाल के बॉईल कर दिया था। काढ़े की तरह इसको बॉईल करना होता है, एक ग्लास पानी को हाफ करके गरम गरम इसको पी लेना होता है, क्योंकि मुझे PCOS की प्रॉब्लम थी पहले। अभी भी कई बार हो जाता है, जब भी मेरे डाइट में इनबैलेंस होता है तो मुझे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है पेन की। तो ये इंस्टेंट रिलीफ देता है पेन में, अगर आपको स्टमक एक हो रहा है PCOS की वजह से तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है ड्रिंक। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, अपने मम्मा को देखा होगा हाई करते हुए। मेरी फ्रेंड अपने ससुराल से घर आई है तो मैं उससे मिलने के लिए गई थी, मम्मा भी गए थे साथ में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मिलके नहीं आए थे हम, और ऐसा बहुत टाइम बाद हो रहा था कि हम इतने दिनों तक दूर हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं होती है ज़्यादा और मिल भी नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं, इस बार टाइम स्पेंड करके आते हैं। 2-3 घंटे वहाँ बैठे फिर वापस घर आए, कुछ चीज़ भी लेके गए थे क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उनकी सिस्टर भी घर आए हुए थे, उनके बच्चे भी घर पे थे। तो फिर हम कुछ खाने पीने का चटर पटर लेके गए थे, जो मैं आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया होगा कि मैं जब भी जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ बच्चों के लिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और उसके बाद में मैं घर वापस आए, उसके बाद हमने किया बच्चों का खाना पीना, जो मैंने शूट नहीं किया। ऑब्वियसली वो नीचे होता है तो बहुत ही ऐसे लेट हो गया था बच्चों का खाना, इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद में ये वॉल पेंटिंग था जो ये रह रहा था मेरा बनाने के लिए, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि ये हाफ बनाया था, हाफ रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा था 4:30 बज चुके थे इस टाइम तक, और फिर मैंने इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट होने के बाद ही कुछ इस तरीके का दिख रहा था, मुझे तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। कभी कभी होता है ना, हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं हमको पता नहीं होता उसका आउटपुट इतना अच्छा निकल के आएगा, और ये इतना सुंदर लग रहा था कैमरा पे तो फिर भी इतना ज़्यादा फोकस करके और इतना ना कलर कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, बट सामने से ट्रस्ट में ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने कभी ऐसे स्टार्ट करने से पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा इसका आउटपुट निकल के आएगा, या जो भी मैं चीज़ें अभी क्रिएट कर रही हूँ या क्राफ्ट की वीडियो होगी या ये सारी चीज़ें डेकोरेट करने वाला, रूम डेकोरेट करना, अपना घर को डेकोरेट करना, तो मेरे को कभी नहीं पता था कि ये टैलेंट भी मेरे अंदर है और इसका जो आउटपुट निकल रहा है वो डे बाय डे ना और ज़्यादा इन्हेंस होती जा रही है चीज़ें, मतलब मुझे और ज़्यादा नॉलेज होती जा रही है और चीज़ें ना मैं जैसी सोचती बिल्कुल वैसा ही आउटपुट निकल के आ जाता है। इवन तो मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है ना, जैसे ये मैंने वॉल पेंटिंग की है, इसको देख कर तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये मैंने बनाया है, ये मैं मेरे अंदर ये टैलेंट भी है। तो ना कभी कभी होता है हमें चीज़ें पता नहीं होती, बट हम वो चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उसका आउटपुट जो आता है ना उसको देखकर बहुत ही ऐसे मेहनत वसूल वाला काम हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने ड्रेस चेंज कर लिया था, क्योंकि पेंट करते हुए मैं इसके ऊपर ही मैंने टी शर्ट डाला हुआ था वो मैंने क्लीन किया, और इस बीच में मैं नीचे भी गई थी, बच्चे एक बच्चा जिसको मैंने बताया था ना कल चोट लगी थी उसको मेडिसिन देने के लिए, उसको मेडिसिन देने के बाद फिर मैं ऊपर आई, और ऊपर आने के बाद ये जो कॉर्नर था ना मैंने आपको दिखाया था किसी एक व्लॉग में, पहले के व्लॉग में, तो ये मैंने डेकोरेट किया था और इसको सेट किया था कि मैं यहाँ पे काम करूँगी बैठ के अपनी स्टडी, और जो भी क्राफ्ट की वीडियो होती है वो यहीं बनाती हूँ बैठ के। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये टेबल ना बहुत ज़्यादा ऐसे छोटा हो रहा था, मैं एक साइड कैमरा लगाती हूँ एक साइड अपना सामान रख रही थी तो सामान ना गिर जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा जो बहुत सारा सामान था ख़राब हो गया था। तो मैंने ना एक प्लाईवुड हमारे घर में रखा हुआ था, मैंने जो टेबल था उसको सेंटर में किया और ये प्लाईवुड लगा दिया, ये इतना था और ये देखिए कितना ज़्यादा स्पेसियस हो गया ना, और इसके ऊपर ना हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, और सामान भी ना इधर उधर फैला हुआ रहता था तो वो भी एक जगह इकट्ठा करके मैंने रख दिया ताकि वो बहुत ही क्लमजी ना दिखे रूम, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे ना सारी चीज़ें सेटिंग से और ना अपने जगह पर चाहिए होती है रूम के अंदर, एटलीस्ट जहाँ मैं काम करी वहाँ पर मुझे पीसफुल एनवायरमेंट मिलना
करना चाहिए, अदरवाइज ना मेरे काम में मन नहीं लगता, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। और मुझे ऐसा फील होता है जहाँ पर मैं चीज़ें असेंबल कर सकती हूँ एटलीस्ट वहाँ तो असेंबल करूँ। लाइफ में इतनी उथल पुथल मची हुई है, मुझे मेरे आसपास बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें मेरे हाथ में एटलीस्ट मैं वही वो तो ठीक कर सकती हूँ, बाकी लाइफ है अप एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ में। जिसकी जो चीज़ें हैं, जिसकी जो किस्मत है, वो उसको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। तो इसलिए मैं अपना थोड़ा सा रूम ऐसे सेटवेट करके रखती हूँ। इन बिटवीन ये बच्चों ने मेरे एक रूम की हालत क्या की हुई थी, देखा आपने, ऐसे प्ले करते हैं ना, इनको ना ब्लिंकी चीज़ें होती ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, जो भी ब्लिंकी वाली चीज़ें हैं ना मेरे रूम में, उनको ऐसे उछल उछल के उनके साथ प्ले करते हैं ना, तो पता नहीं क्या ही उनको मिलता है ऐसी ब्लिंकी चीज़ों के साथ में प्ले करने में, सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, फिर मुझे असेंबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें असेंबल कर रही थी। और कई बार ना मेरी फ्रेंड से मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि तू कभी इरिटेट नहीं होती है, इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, इतना ज़्यादा सामान ख़राब कर देते हैं, तेरा इतना लॉस हो जाता है। मैं उस टाइम मेरे पास आंसर नहीं होता कि मैं उनको क्या ही बोलूँ करके, कि मुझे सीरियसली कभी ऐसा फील नहीं हुआ, मुझे मैं कभी इरिटेट नहीं होती। आप मुझे रात को 3 बजे 4 बजे या किसी भी टाइम में कितना भी बीमार हूँ, अगर इनके लिए कोई काम करना है ना, तो मुझे ना ऐसे अंदर से हैप्पीनेस फील होती है जब भी मैं इनके लिए कुछ करती हूँ, बच्चों के लिए। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मेरे आसपास जो लोग हैं उन लोगों को पता होगा, मेरे एक्शन से बहुत सारी चीज़ें वो फील कर पाते हैं। तो मुझे नहीं फील होता है कभी भी ना ऐसे कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, ये सामान ख़राब कर रहे हैं। मुझे बल्कि ये तो खुशी होती है जब ऐसे खेलते हैं ना, मुझे ऐसे पीस फील होता है कि चलो किसी की लाइफ से मैं एक थोड़ा सा एफर्ट डाल के थोड़ी सी अच्छी कर पाई हूँ। तो बस यही काम कर रही थी मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अपने प्लांट्स को पानी भी दे दिया था। इसके बाद में ये कॉर्नर वाला जो ये मैंने सेटअप हटाया था ना, यहाँ पे मैंने रीअरेंज कर दिया था क्योंकि पेंटिंग बन गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया और ये हो गया है प्रॉपर सेट। यही था आज के व्लॉग में, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, वीडियो को लाइक कर देना।